हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम शेयर करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो रेलवेज़ की तरफ से आई है, और रेलवेज़ में जो एग्ज़ाम होने वाला है लोको पायलट का और टेक्नीशियन का, उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बढ़ा दी गई हैं। करीब 45,000 वैकेंसी बढ़ा दी गई हैं, तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जो स्टूडेंट्स और जो एस्पिरेंट्स रेलवेज़ में नौकरी करना चाहते हैं, तो इसको हम पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को आप पूरा देखिए, एंड तक देखिए, इसमें मैं आपको सारी चीज़ें, सारी ऑफिशियल न्यूज़ आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर ये जो न्यूज़ आई है ये ऑफिशियल न्यूज़ है, और भास्कर की ये कटिंग है, दैनिक भास्कर की कटिंग है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक है और ऑफिशियल न्यूज़ है, इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। और न्यूज़ क्या है, अब 60,000 लोको पायलट और टेक्नीशियन की भर्ती करेगा रेलवेज। देखिए, पहले जो पद थे वो 26,500 पद थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले जो वैकेंसीज थी वो 26,500 थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ये है, बेरोजगार युवाओं के लिए भारतीय रेल द्वारा बम्पर भर्ती का तोहफा, ठीक है। तो पहले जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी टोटल मिला के, आप यहाँ पर देख सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की थी 17,073, और वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन की थी 8,829। तो इस तरीके से पहले जो नंबर ऑफ पोस्ट थी वो 26,502 पोस्ट थी, लेकिन अब रेलवे ने डिसीजन लिया है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, करीब 40 लाख लोगों ने इसमें अप्लाई किया था, तो इसलिए नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स को देखते हुए रेल मंत्री ने ये डिसीजन लिया है कि अब 45,000 वैकेंसी इसमें और बढ़ा दी। अब जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज होंगी अब 60,000 होंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब 60,000 लोको पायलट और टेक्नीशियन की भर्ती करेगा रेलवे। तो ये है पूरी न्यूज़, और इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं। रेलवे ग्रुप सी में असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की अब 60,000 भर्तियां करेगा। पहले ये पद 26,500 थे, और इसके लिए करीब 48 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स की संख्या 48 लाख, 26,000 पद थे और 48 लाख लोगों ने उसके लिए आवेदन किया था। तो इसमें कंपटीशन तो निश्चित रूप से काफ़ी टफ होगा, क्योंकि आप रेशो देख सकते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स 26,000 हैं और अप्लाई करने वाले 48 लाख हैं। तो इसलिए रेल मंत्री ने डिसीजन लिया है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज में बढ़ाई जाएं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि उम्मीदवारों की संख्या को देखते हुए पदों की संख्या बढ़ाकर 60,000 कर दी गई है, ठीक है, 60,000 पद हो जाएंगे। तो इसमें आप जो लोग रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इसके लिए 9 अगस्त को परीक्षा होगी। रेलवे ने बयान जारी कर बताया कि मंत्रालय ने फरवरी 2018 में 26,000 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, अब पद बढ़ा दिए गए हैं। लगभग 40 लाख उम्मीदवारों को उनके शहरों या पास के शहरों में केंद्र आवंटित कर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, और इसका फ़ायदा उठाएं, अच्छी आप तैयारी करें। जो भी आप सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग रिलेवेंट मटेरियल लेके आप तैयारी करें और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें और ये नौकरी हासिल करें। बहुत ही अच्छी ये जॉब है, इसमें करियर प्रॉस्पेक्ट जो रहता है बहुत ही अच्छा रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब रहती है। तो सभी स्टूडेंट्स और सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। इसको अपने अपने ग्रुप में और अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ आप इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, और कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।